हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और आज है नवमी, आप सबको पता है। और आज है कन्या पूजन, तो हम लोग वही कर रहे हैं। कढ़ाई में फटाफट से नहा के आई हूँ अभी, और टाइम भी हो गया है। और यशु भी गई है नहाने के लिए, तो उसको एक दो जगह पे जाना है कन्या पूजन के लिए, तो उसको मैं रेडी कर दूंगी। अभी नहाने गई है वो अंजू के साथ, तो बस बने रही मेरी वीडियो में। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। देखो, आज है नवमी और कन्या पूजन अपने साथ तो बहुत ही धूमधाम से होता है। सबको ही पता, आज माता रानी भी चली जाएंगी। आई होप बस जल्दी से वापस आए, क्योंकि ये दिन इतने अच्छे लगते हैं कि बस इनमें मन भी लग जाता है, शांति भी मिलती है मन को। आप सबको पता है कैसा लगता है ना। तो बस अभी वही है, मम्मी तो नहा के गई किचन में फटाफट, मम्मी लगी अपने काम पे। अभी मैं भी जाऊंगी, बस यशु को रेडी करूंगी। और वो जाएगी तो उसकी ड्रेस निकाल दिया, बहुत नाटक है यशवी के, जल्दी से उसको पसंद नहीं आता कुछ भी, तो उसको दिखाऊंगी क्या चाहिए उसको। तो बस उसको रेडी करूंगी फटाफट, और मैंने कर लिया मेरा व्लॉग स्टार्ट, और दिखाती हूँ किचन में क्या क्या बन रहा है आज। तो यहाँ और हम नवमी की प्रिपरेशन, ये मम्मी ने बना दिया हलवा, और यहाँ पे छोले भी बन गए हैं। बस मैं आटा लगाऊंगी। क्या बनेगी आज कचौरी मम्मी? कचौरी बनानी है। और घी निकाला यहाँ पर, ठीक है मैं आटा लगा दूँ फटाफट। है चटनी बना ले, ये बन गया छोले और आलू बॉयल हो गए कचौरियों के लिए। इसमें चाय रखी है क्या? दूध है। ये यशवी रेडी, यशवी जाएगी कन्या पूजन के लिए, है ना बेटू? दो तीन घर के लिए जाना है इसको, बट पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, तो अंजू लेके जाएगी, अकेली तो नहीं भेजूंगी इसको। और ये मेरा कुक्का, कुक्का रेडी नहीं होना क्या? इनविटेशन तो कुक्का का भी आ रखा है कि लंगूरिया बना के भेजो, पर कुक्का इतना हल्का उसमें पड़ा ना, बस क्या ही बताऊँ, उठ ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा है तो आज। और यशवी है एकदम खुश, यशवी होगी रेडी। हमने वो पहन जाना जूती, वो वाली, ठीक है। आज यशवी लगाई है हेयर पिन, ये वाली न्यू न्यू एकदम मैचिंग मैचिंग है बेटी। कौन सा ये मन अच्छा लगा है जब लगा है, रख लो है ना। सो मैं होगी रेडी फटाफट, और मैंने दुपट्टा भी ले लिया। बस अभी पूजा करने जाऊंगी, और मेरी व्रत की थाली वो भी, पूजा की थाली वो भी रेडी है, तो बस फटाफट जाऊंगी और पूजा करूंगी। भूख लगी है सबको, 10 बज गए। करे बस करे, गाड़ी खोलनी है, उसका वॉलेट गाड़ी में रह गया। ओ यार, स्कूटी लेके जा रहा है मोनी। फ्रेंड्स, हो चुके हैं पूजा और खाना भी हो चुका है। अभी मैं लाई हुई चाय बना के, दो दिन हो गए सर दर्द, पता नहीं क्यों इतना पकड़ रखा है। आज भी आराम नहीं हुआ, कल भी टैबलेट ली मैंने और आज भी यही हाल है। टीका कैसा लगा मेरा, टेढ़ा टेढ़ा सा हो गया थोड़ा सा। तो बस अभी रूम में आई हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद शायद कहीं बाहर जाए। कल का भी प्लान था कि कपड़े लेंगे रेवा के, बट वहाँ भी नहीं जा पाए हम लोग, और बच्चों को भी लेके नहीं जा पाई। तो आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि काम हो चुका है हम लोगों का। तो मम्मी कह रही है चल आज कहीं बाहर निकल लेते हैं, तो देखते हैं कहाँ क्या होता है, और जैसे भी होगा आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। सो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आप लोगों से। माँ और दिखा, तेरा क्या लगाया पैर पे आंटी ने? यश भी ले गए बिंदी, पत्ते मेरे काम आ जाएगी। अंजू बिंदी तो मन चाहिए भी थी ऐसी छोटी, चाहिए भी थी ऐसी छोटी। यश भी लाइए, ये है रेवा को। यश भी ले गए ये क्लिप बिंदी, और एक गेम है, पता नहीं क्या गेम है, ये गेम मिला इसको क्या है ये तो पता नहीं, मुझे चूड़ियां लग रही है मेरे को तो। ये यशवी भी आई नहीं है, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि सोसाइटी में आजकल बच्चे ना किसी को, बच्चों को कोई अपने घर किसी दूसरे के घर भेजना ही नहीं चाहता कन्या पूजन पे। बट मैंने यहाँ एक चीज़ देखी कि यहाँ मैं यशवी गई है और दो तीन बच्चे हो रहे हैं, तो वो हम लोग तो भेज देते हैं। मेरा ऐसा है कि चलो ठीक है, बट ऐसे घर में जिन पर आप ट्रस्ट करते हो ऐसे घर में ही भेजो कन्याओं को, और कोशिश हो कि कोई ना कोई साथ चला जाए। तो मैंने अंजू को भेजा है यशवी के साथ में, तो वो ही गई है उसको लेके उसकी बुआ। और बाकी मैं खा के आई तू गई।
कैसा खाई अंज? जिम के कौन से कितने घर गई है? दो तीन घर, दो घर जा कर आई है जिम के, आई है अभी अभी आई है ये। दोनों ले रहा था सो फ्रेंड्स, वहां से आते ही नोनू को पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज हाई फीवर, उसको तो दवाई दी और यहाँ पे नजर उतारी अंजू उसकी, आते ही पता नहीं इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। छोरा का नजर लग गई, नजर दी अंजू ऐसा बुखार चढ़ा कि मत चप्पल चप्पल मार के चप्पल मारेगा चप्पल, मेरे छोरा का नजर लग गई मारेगी चप्पल है चप्पल मार दे ऐ मेरे घर आ गई, उतार दे ऐसे ऐसे नजर उतार दे इसकी। तो ये ले जा, इसने तो खिलाना कम से कम, बेचारी मैंने कितने दिन से नोट रखा यार, मैं केक रुक कब सब बोल रखी, मेरे बिना रुकेगा तो ना बुखार है तो। मैं सुसु कारण गई ना, सब पेट जल रहा है एकदम से, मैंने कहा नोनू बुखार हो रखा, बताया ऐसा भेजा जी मन में तो बुखार जब नजर ही लग गई, टोकरा नीचे ना ऐसे लुगाई ना इस बारी में भेज ना रही थी आज, इसने मैंने कहा देख मुंह उतर गया कर मैं थोड़ी देर रुक जा ना, बच्चा सच में नहीं टोकने चाहिए किसी का भी, मैं कभी नहीं टोकती किसी का, बच्चा क्यूट भी लगा तो भी ना टोकती कभी। हे एवरीवन, टाइम हो गया 4 और हम लोग जा रहे थे, रेडी भी हो गए थे सब, यशी तो बेचारी कब से रेडी घूम रही है, तो इसको झूला झूल के आना था और गेम भी खेल के आने थे बट नहीं हो पाया, आज भी कैंसिल हो गया हम लोगों का दिख रहा है, बट इसको जरूर भेजूंगी मम्मी पापा के साथ कहीं ना कहीं, तो वेट भी कर रही है और मेरे पीछे सो गई है मम्मी, और बस चाय बनाऊंगी अभी, और नोनू के हो गया फीवर आज सुबह कन्या पूजन के लिए भेजा था, वहाँ ना इसको एक्चुअली 2-3 बार ना टोक दिया, तो पता नहीं तब से आया तब से इतनी तेज फीवर है उसको, तो अभी नज़र उतरवाई है और उसको दवाई भी दी है फीवर की, तो बस यही है अभी तो, और बनाऊंगी अपनी चाय पहले, अभी तो 4 बजे, थोड़ी देर बाद में ही बनाऊंगी। क्या दिखाऊं? हैंड आगे करो एक बहुत पसंद है ये मम्मा का, ये मम्मा का अब इसको खाता है, तुम्हें पसंद है ना ये। मैंने रख दिया चाय यहाँ पे, टाइम हो गया 4:45 और ये यहाँ पे रख दिया बच्चों के पॉपकॉर्न, ये मेरा और ये वाला बताना किस किस को पसंद है सूखा दूध का पाउडर, उस दिन होटल में गए थे अंजू तो ले आई थी तो मेरे को दिख गया, आज यशी को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने दे दी उसको, मैं छोटी थी तभी मेरे को बहुत पसंद था, मैं तो डब्बे मंगवा के खाती थी, शादी के बाद ही मंगवाया मैंने एक डब्बा। क्या ये तो मेरा है यशवी, ये मेरा है, ये मम्मा का है, प्लीज मम्मा का है वो, मेरा है छोड़ दे चोरी, ऐसा नहीं निकलेगा ऐसा नहीं निकलेगा, अरे खोल उसको ला मैं निकाल दूला छोड़ के आयो खोल के देखोगे, अरे हो गए मेरे चाय में कलर देख, ऐसे चाय बना दिया क्या तू, पॉपकॉर्न तो खा लिया मैंने वो दे दिया स्वीट कॉर्न थोड़ 2 चम्मच बस, बर्तन रखने अभी, काश आशा हमारे बर्तन भी जचा जाती आगे करूंगी ऐसा अच्छा ना, तब एक गीला कपड़ा एक सूखा कपड़ा साफ करवा के तब जचवाया करूंगी, ऊपर दाग भी ना पड़ा, देखो खोल खोगे के छीट तो नहीं लग जाएगी, हो गया अंजू हो गया देखो टाइम डालो पापा की गर्म होगी है, पापा ये भी सोई दिखा जग रहे तक तो चाहा प्रेम अच चाहा जाओ तो मैं करूंगी झाड़ू पोछा, क्या हो गया ब्लर ब्लर आ रहा मेरा पता नहीं क्यों, बाय नोनू बाय कर दे चाची को, नोनू तो अपनी उसमें लगा पड़ा है। हे एवरीवन, मैं आ गई हूँ वापस और टाइम हो गया 7:45 और मैं अभी बस सांस चढ़ रहे हो बहुत तेज तेज क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं, मोनिकेत की गए बाहर आप लोगों ने देखा ही और पल्लवी दीदी भी गई, रेवा को झूले पे लेके नीचे, मम्मी पापा ऑलरेडी गए, यशवी और नोनू को लेके झूले पे, और
पसीने आ रखे, क्योंकि अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा इतना गंदा कर दिया बच्चों ने, इतना गंदा सारे घर में, बस अंगूर ही अंगूर कर दिए। तो बस जैसे अभी फ्री हुई हूँ करके, और डिनर में देखेंगे शायद हम लोग बाहर से मंगाएंगे, और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे डिस्क्लोज करनी है, रिवील करनी है, बट अभी नहीं। एक मन में तो होती है कि बस बता दूँ, बट अभी नहीं, टाइम आएगा थोड़ा बहुत। वो होता है ना, हर चीज़ का कोई ना कोई टाइम होता है, तो एकदम राइट टाइम आएगा तभी उसी टाइम पे मैं बताऊँगी, आप लोगों को पता भी लगेगा। और ये देखिए मैंने घर पूरा चमका दिया एकदम, तो ये देखिए पूरा घर मैंने कर दिया झाड़ू पोछा करके एकदम क्लीन, और वहाँ पर मैंने कपड़े उतार के रख दिए हैं फोल्ड करके। और ये देखिए किचन भी एकदम मेरी क्लीन हो गई है, और बच्चे रहेंगे तो गंदा तो खैर होगा ही, आते ही फिर वो ऐसा ही हाल करेंगे। ये देखिए किचन मैंने एकदम कर दिया, ये भी क्लीन। तो बस अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं, और अभी जाऊंगी मैं जस्ट कपड़े चेंज करने, बट मैं सोची थोड़ा सा पसीना सुखा लूँ, बहुत ज़्यादा रखा, फ़ैन भी चलाया मैंने, तो बस ये उतार के। अब मैंने सूट पूरे दिन पहने रखा, सुबह ने पहन लिया था नहा के, तो अभी बस मैं जाऊँगी और फटाफट चेंज करूँगी। अभी तो खैर कुछ काम ऐसा है नहीं, दूध वूध सब गर्म कर दिया मैंने, और खाना बाहर से आ ही रहा है, तो बस काम हो गया पूरा डन। और मम्मी आएंगी तब देखेंगे, कुछ गेम भी हम खेलेंगे आज, क्योंकि आज हम लोग फ्री है एकदम, तो एडिटिंग भी मैं रात को ही करूँगी, अभी तो मैं करने वाली हूँ नहीं। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये बन गया कस्टर्ड, मम्मी ने बना दिया आज, सही आज खाना तो बाहर तो है ही, मिठाई हो जाएगा हमें। क्या क्या डालोगे इसमें? ड्राई फ्रूट, फ्रूट्स जैसे अंगूर है, एप्पल है, मैं काट दूंगी छोटे छोटे हैं, बनाना है, एप्पल मत गेरियो, अंगूर और वो बनाना गेर दियो, भी सही है। अच्छा फिर निकाल के फिर ठंडा करोगे? अच्छा मम्मी ने कुर्ती पहन ली, मैं देखू आई मैं वॉशरूम, मतलब मम्मी की तो गई, मैं गैस पर कुछ चढ़ा दो, खाना तो बाहर था आज, मगर ना पता हुआ है। मम्मी मुझे कोई आइडिया नहीं है कस्टर्ड का, मैंने कभी नहीं बनाया है, आप ही बनाया करते उस घर में, वहाँ भी आप नहीं पता है। अब इसमें मैं यशविन देख रहा आप ही हाँ, चीनी चीनी निकालनी पड़ी। यहाँ पे बन गया मेरा कस्टर्ड, ये देखिए मैंने इसमें डाला है अंगूर और बनाना और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, कुछ किशमिश डाली है और काजू डाले हैं, ये देखिए कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और एकदम रेडी है, चिल भी कर दिया मैंने, फ्रीजर में रख दिया था इसको। इतनी तेज़ भूख लग रही है ना आज बेहद, कॉम्प्लीमेंट्री होगा कुछ, देखो ये सॉफ्ट है, ये नोनू खा लेगा देख, पर है क्या देख लेते, मन ऐसा लग रहा वो हो नानी है, कॉम्प्लीमेंट्री आई है, दो सब्जी का एक नान फ्री। भाई तो तेज भूख लग रही है, जी निकला जा रहा चांद कति बिल्कुल ही आगे क्या ना लाई दलमोनी पानी पूरी ना लेकर आई है, मेरमोनी वेट कर रहे थे। हाँ कस्टर्ड मेरा मन था खाना पर भी ठंडा नहीं हुआ, मैं सोचा तुम बहुत कुछ लेकर आए हो। यूनिकॉर्न टी शर्ट, ओ लॉन्ग ड्रेस है क्या? देखा ये तो इसकी यशवी का वहाँ से ही काम आओगी, वहाँ बहुत प्यारी लगी मेरे को, प्रथम किसी कपड़े दिखा, क्यूट लग रही है बहुत, कितनी सुंदर लग रही है ना, सही है गर्मियों के हिसाब से सही है। बेतू की तबीयत तो ठीक है, कैसी है तबीयत बेतू? अच्छी, अच्छा लग रहा अभी, चलो खाना खाएंगे, खाना भी नहीं खाया सो तुमने, चलो नाइस, अच्छी लग रही है। बाकी तो इसकी भी वही लिया है गर्मियों की, देखा इसकी माल सही है ही। ये क्यूट लग रही है वाइट, ये भी अच्छी है ना, इसमें यशु के ये भी ऑप्शन था, ये भी अच्छा लग रही है ना, यशु के बाद ज़्यादा अच्छी लगी मैंने, एक ही है मम्मी, ये तो ज़्यादा नहीं दो, ये देखो इसके मैं दे दूँगी, क्यूट है जी, कलर बहुत प्यारा,
हो चुका हम लोगों का डिनर। और डिनर तो क्या काफी टाइम हो गया, बस नोनू की तबीयत बहुत डाउन लग रही है अभी। उसको फीवर है, दिन में भी फीवर आया था एक्चुअली। आज वो जब से ऊपर खा के आया तब से पता नहीं उसको क्या हो गया। दो बार दवाई भी दे चुकी बट अभी हल्का सा आराम हुआ है उसको। तो बस अभी वही है कि उसको दवाई दी है पैरासिटामोल, अभी फीवर उतरेगा। तो अभी उतरा है थोड़ा सा, तो खेल भी लगा है। तो बस अभी मैं उसी में लगी हूँ, मेरे मम्मी और ये रही मेरी यशवी। यशवी ने पहनी आज अपनी न्यू ड्रेस, साथ ही पहन ली यूनिकॉर्न वाली। दिखा भाई तू, ये यशवी की ड्रेस, यशवी की बुआ लेके आई थी, इसने आते ही पहन ली। और ये मैं लेके आई हूँ मेरा कस्टर्ड। और नोनू को तो बहुत लो फील हो रखा है, तो फीवर है तो वो तो होगा ही उसको। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता शूट नहीं हो पाएगा। तो बस आज का ये छोटू सा व्लॉग कैसा लगा हो, आई होप आपको अच्छा लगा और आपने इन्जॉय किया हो। और अगर आपने इन्जॉय किया तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, है ना। तो बस करते हुए अपने व्लॉग का एंड और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक लीजिए माता दी, बाय बाय। बुखार हो गया, ओए मैं भी तू ठीक हो जाएगा, मम्मा दवाई दे दी ना। दीदी को प्यार कर दो, दीदी गुस्सा है। आए मैं लाल, ये तो दवाई है नोनू की, फीवर है ना नोनू को। हाँ नहीं बेटू,